आईपीएल 2020 मैच नंबर 49 में सीएसके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए। केकेआर पहली ओवर की पहली गेंद में ही शुभमन गिल कवर के माध्यम से क्रंच करते हुए पहला चौका लगाए और चौथी गेंद में नीतीश राणा गुडलेंथ गेंद को थर्ड मैन फील्डर से शॉट लगाते हुए चौका लगाए। पहली ओवर में 3 चौके। तीसरी ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल वाइड लॉन्ग ऑन रीजन में पावरफुल पुल शॉट मारकर चौका लगाए। चौथी ओवर की पहली गेंद में भी शुभमन गिल गुडलेंथ गेंद को कवर पॉइंट के माध्यम से फिर चौका लगाए। चौथी ओवर की पहली गेंद में भी शुभमन गिल गुडलेंथ गेंद को कवर पॉइंट के माध्यम से फिर चौका लगाए। पांचवी ओवर की आखिरी गेंद में नीतीश राणा फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के अंतराल में बाउंड्री लगाए। थर्टी ओवर की तीसरी गेंद में नीतीश राणा फुल लेंथ गेंद को स्क्वायर लेग से स्वीप करते हुए चौका लगाए। अगले गेंद में भी नीतीश राणा एक और फुल लेंथ गेंद को स्वीप करते हुए बाउंड्री लगाए और अगले गेंद में भी नीतीश राणा डीप मिड विकेट पर फेंकते हुए छक्का लगाए। आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल करण शर्मा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हो गए और केकेआर के लिए यह पहला झटका। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर सुनील नरेन लॉफ्ट शॉट मारते हुए लॉन्ग ऑन की रीजन में छक्का लगाए। नवी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चित्र। सुनील नरेन एक भारी शॉट लगाने के चक्कर में डीप मिड विकेट के रीजन पर रविचंद्रन जडेजा को कैच देकर आउट हो गए। सैंटनर के लिए पहला और सीएसके के लिए दूसरा विकेट। दसवीं ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश राणा गुडलेंथ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट से कट मारते हुए चौका लगाए। ग्यारहवां ओवर की पांचवी गेंद पर नीतीश राणा शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लगाए। और आखिरी गेंद में भी नीतीश राणा डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक और बाउंड्री लगाए। तेरहवां ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह कवर के ऊपर से चौका लगाए, लेकिन अगले ही गेंद पर रिंकू सिंह अंबाटी रायडू को कैच देकर आउट हो गए और रविंद्र जडेजा का यह दूसरा विकेट। पंद्रह ओवर के दूसरी गेंद में नीतीश राणा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए स्क्वायर लेग क्षेत्र में स्लॉग स्वीप करते हुए चौका लगाए। सोलह ओवर की पहली गेंद में नीतीश राणा मिडिल पर टॉस करके डीप मिड विकेट से स्लॉग करते हुए छक्का लगाए। अगले गेंद में भी फिर नीतीश राणा ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए फिर एक और बार छक्का लगाया और तीसरी गेंद में भी नीतीश राणा लगातार बहुत ही खूबसूरती से एक और छक्का लगाए। ओवर की पहली तीन गेंद पर 18 रन। 17 ओवर की पहली गेंद पर नीतीश राणा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाए। उसी ओवर की तीसरी गेंद में भी नीतीश राणा विकेट के चारों ओर से कवर क्षेत्र पर चौका लगाए, लेकिन 18 ओवर की पहली गेंद पर नीतीश राणा सैम करन को कैच देकर आउट हो गए और नकदी का यह पहला विकेट। 18 ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक एक चौके के लिए कीपर के ऊपर से स्कूप करते हुए चौका लगाए। 19 ओवर की पहली गेंद पर यॉन मॉर्गन ट्रैक को आगे बढ़ाते हुए चौका लगाए। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में बाउंड्री लगाए। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मॉर्गन थर्ड मैन फील्डर की दिशा में बाउंड्री लगाए।
लेकिन अगली गेंद पर मॉर्गन भारी शॉट मारने के चक्कर में गायकवाड़ को कैच देकर आउट हो गए और नेगी का यह दूसरा विकेट। केकेआर ने अच्छा बल्लेबाजी की, उन्होंने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए और चेन्नई के गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। चेन्नई सुपर किंग्स लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर शेन वॉटसन डीप स्क्वायर लेग से क्रैकिंग शॉट मारते हुए पहला छक्का लगाए। तीसरी ओवर की दूसरी गेंद पर गायकवाड़ गुड लेंथ गेंद को कवर क्षेत्र से ड्राइव करते हुए बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद में पैट कमिंसन बाउंसर डाले, लेकिन गेंद थोड़ा ज्यादा ही बाउंस होकर कीपर के पीछे से बाउंड्री हो गया और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुफ्त में 5 रन। और तीसरी ओवर की आखिरी गेंद में शेन वॉटसन फाइन लेग की दिशा में चौका लगाए। पांचवी ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ डीप मिड विकेट रीजन में बाउंड्री लगाए, हालांकि नगरकोटी गेंद को रोकने की कोशिश किए लेकिन नाकामयाब रहे। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर गायकवाड़ गेंदबाज के सिर के ऊपर से मारते हुए एक और चौका लगाए। छठी ओवर की तीसरी गेंद पर गायकवाड़ फुल टॉस मारते हुए छक्का लगाए। आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर शेन वॉटसन भारी शॉट लगाने के चक्कर में रिंकू सिंह को कैच देकर आउट हो गए और यह वरुण चक्रवर्ती का पहला विकेट। दसवीं ओवर की दूसरी गेंद पर अंबाटी रायडू एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से बाउंड्री लगाए। अगले गेंद पर अंबाटी रायडू गेंदबाज के ऊपर से मारते हुए चौका लगाए। और चौथी गेंद में भी अंबाटी रायडू एक बार फिर से अतिरिक्त कवर क्षेत्र पर पंप करते हुए चौका लगाए। ग्यारहवां ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ एक सीमा के लिए एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद में भी गायकवाड़ शानदार लॉफ्ट करके छक्का लगाए। बारहवीं ओवर की दूसरी गेंद तक गायकवाड़ सिंगल रन लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अंबाटी रायडू डीप कवर क्षेत्र के ऊपर से छक्का लगाए और इसी के साथ गायकवाड़ और अंबाटी रायडू का 50 रनों की साझेदारी हुई। 13वां ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ कवर के ऊपर से स्वीप करते हुए चौका लगाए। 14 ओवर की दूसरी गेंद पर अंबाटी रायडू सर्कल से एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए चौका लगाए। अगले गेंद में भी अंबाटी रायडू शॉर्ट लेग के माध्यम से चौका लगाए, लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर अंबाटी रायडू गुड लेंथ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से मारकर सुनील नारायण को कैच देकर आउट हो गए और पैट कमिंसन का यह पहला विकेट। 15 ओवर की चौथी गेंद पर MS धोनी फुलर लेंथ गेंद को उछाले, लेकिन वे क्लीन बोल्ड होकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती का यह दूसरा विकेट। 16 ओवर की आखिरी गेंद पर सैम करन शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाया। 17 ओवर की चौथी गेंद पर गायकवाड़ गुड लेंथ गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीप करते हुए चौका लगाए, लेकिन 18 ओवर की दूसरी गेंद पर गायकवाड़ क्लीन बोल्ड होकर आउट हो गए। पैट कमिंसन का यह दूसरा विकेट। 19 ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा फाइन लेग से हाई फुल टॉस मारते हुए चौका लगाए। उसी ओवर की अगले गेंद में भी रविंद्र जडेजा डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में शानदार छक्का लगाए और आखिरी गेंद में भी रविंद्र जडेजा अच्छा प्रदर्शन दिखाकर लगातार शॉट मारते हुए एक और चौका लगाए।
आखिरी ओवर की पांचवी गेंद पर रविंद्र जडेजा फुल टॉस मारते हुए छक्का लगाए और इनिंग की आखिरी गेंद में भी रविंद्र जडेजा बहुत ही शानदार खेल दिखाते हुए छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। आज चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए केकेआर को 6 विकेट से हराया।